चलो आज अपन बात करते हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। नोटिस किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो नोटिस के लिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि नोटिस वो हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। दूसरी बात, ऊपर ही ऊपर अपन संस्था का नाम लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, जिसे अपने लिख दिया अक्ष वाई जेड स्कूल जयपुर। सेकेंड लाइन में हम बाई तरफ डेट डाल देते हैं। थर्ड लाइन में हमें कैपिटल लेटर्स में ही नोटिस शब्द लिखना होता है और उसको अंडरलाइन करना होता है। फिर उससे नीचे वाले लाइन में जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो सब्जेक्ट डालना होगा, जैसे आज अपना है गांधी जयंती। फिर हमें इसका कंटेंट लिखना होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को आज इन्फॉर्म सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल, हमारा जो विद्यालय है वो इज गोइंग जा रहा है टू सेलिब्रेट मनाने, हमारा विद्यालय वो मनाने जा रहा है क्या, गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर। 2nd अक्टूबर को हमारा विद्यालय वो गांधी जयंती मनाने जा रहा है। दोज वो बच्चे जो कि आर इंटरेस्टेड, रुचि रखते हैं, मे गिव दियर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, वो अपने नाम लिखवा सकते हैं, किसको, टू द अंडरसाइंड, निर्दिष्ट व्यक्ति को, बाई 30 सितंबर से पहले पहले, फॉर स्पीच, जैसे भाषण के लिए, पोएम्स या कोई कविता बोलने के लिए, रिलेटेड जो कि संबंधित होंगी किससे, टू द इवेंट, इसी कार्यक्रम से, गांधी जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहा है उससे संबंधित जो कोई पोएम्स बोलना चाहिए, स्पीच बोलना चाहिए, वो 30 सितंबर से पहले पहले निर्दिष्ट व्यक्ति को अपना नाम लिखवा सकता है, अपना नाम दे सकता है। निर्दिष्ट व्यक्ति यहाँ पर कौन होगा, दिनेश। और फिर नीचे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिसने ये नोटिस लिखा है, और उससे नीचे उसके पद का नाम आ जाएगा, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। चलो ऐसा क्वेश्चन में था, अगर मान लो व्यक्ति का नाम नहीं आए तो अपन क्या करेंगे, अगर व्यक्ति का नाम नहीं आता है हमारे क्वेश्चन में तो अपना खुद का नाम अपन लिख सकते हैं, और पद का नाम लगभग दिया हुआ मिलता है, फिर भी अगर नहीं मिले तो हमारे खुद का नाम रहेगा स्टूडेंट, वो अपन लगा देंगे। एक विशेष बात यह रहेगी कि अगर संस्था का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो अपन अपनी ही संस्था का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक नोटिस को लिखते हैं।